बात कर रहे हैं, मैं आप से बात कर रहे हैं, आप क्यों बात कर रहे हैं? कॉर्पोरेशन वाले L&T को हैंड ओवर करे, आपसे ऊपर ऊपर से मॉनिटर कर रहे हैं। जब भी हम आपको प्रॉब्लम के लिए फोन करे, कॉर्पोरेशन वाले बोले L&T से बात करो, बोले आप क्यों सामने आ रहे हैं? आप क्यों हम पूरे 55 कॉर्पोरेटर्स उनको हर एक बार मैडम के नेतृत्व में उनको वार्न कर रहे हैं, उन्होंने आने वाले दिनों में 8-10 दिन के अंदर ये मसला सॉल्व नहीं करेंगे तो हम डेफिनेट इनका टेंडर कैंसिल करेंगे, नहीं तो हम जब तक कॉर्पोरेशन के पास आए हैं, कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, ये जो पानी का जो मसला है देख रहे हैं आप, बिल्कुल ग्रीन पानी आ रहा है, कई दिनों से ये ग्रीन पानी आ रहा है। लोगों के कंप्लेन पे हम लोग परसों मिल्लत नगर भी जाकर वहाँ पर देखे, जब पानी छोड़े थे वहाँ पर जाके देखे, इसी ही तरह का पानी था वहाँ पर, ये तो फिर भी साफ है थोड़ा, ऐसा इस तरह का पानी आ रहा था, ये पानी गंदा पानी आ रहा था। जो हम लोगों ने वहाँ पर L&T के ऑफिसर्स को बुलाया था, वो लोगों ने वादा किया है कि 2 दिन में करेंगे, लेकिन 3 दिन हो गए। मैं ये भी कही थी कि उनसे कि आप 2 दिन पानी रोक दो, सप्लाई रोक डालो, ये पानी देने से तो बेहतर है कि पानी नहीं आया ठीक है, क्योंकि पानी की जरूरत तो हर वक्त रहती है, सुबह से लेकर शाम तक वजू के लिए भी लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी ये पानी की, तो इसीलिए हम लोगों ने आज यहाँ पर आकर कॉर्पोरेशन कमीशन साहब से बात करके उनको एक मेमोरेंडम देने का डिसाइड किया है। कई लोग आए हैं और आ रहे हैं लोग, कई लोग पानी का मसले के लिए, तो उम्मीद है जल्द से जल्द ये लोग ये मसला हल करेंगे, नहीं तो इसके अगर ये इस बार 2-3 दिन में ये मसला नहीं हल हुआ तो हम लोग रोड पे आके पूरा प्रोटेस्ट करेंगे, और बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है अगर नहीं आया तो। इससे पहले बीजेपी, ये तो बीजेपी गवर्नमेंट के पूरे ये चाल है वो लोगों की है, और इससे पहले हम लोग जब प्रोटेस्ट किए थे, बात किए थे वो लोगों से, जाके वहाँ पे पानी देखे थे, तो उसके बाद से पानी ठीक हो गया था, फिर से ये शुरू होने से हम लोग फिर से प्रोटेस्ट किए हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये लोग जल्द से जल्द इसका मसला हल करें। L&T का क्या है प्रॉब्लम? वो लोग देख रहे हैं कहाँ से प्रॉब्लम है, और कुछ मशीन भी लाए हुए हैं वो लोग पानी क्लियर करने के, वो मैं समझती हूँ कि आज या कल में वापस आएगा पंप को, इंशाल्लाह लगाने के बाद से पानी सही होएगा, और जब तक तो काफी लोगों को तकलीफ हो रही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू, मैं साजिद खिलानी, वार्ड नंबर 27 कॉर्पोरेटर JDS। तकरीबन एक महीने से पानी में प्रॉब्लम है, जो कि इतना गंदा पानी आ रहा है, गन्ने का जूस के वैसा है पानी। हम पब्लिक का कंटिन्यू कॉल आता है, हर जब भी लाइन रहता है उसके अंदर कंटिन्यू कॉल आता है, हम लोग को सही नहीं ये सप्लाई में नहीं होगा, नेक्स्ट सप्लाई में होगा, प्रॉब्लम होते हैं बोले, मगर तकरीबन 1-1.5 महीने से बहुत प्रॉब्लम है। आज पानी यूज़ करने का तो छोड़ दो, उसको क्या है मालूम, देख भी नहीं सकते वैसे, बाजू ठहर नहीं सकते वैसा पानी है, हमें कुल्ली नहीं कर सकते, एक गिलास पानी नहीं पी सकते उसमें, पानी L&T के ऊपर दिखा रहा है, L&T कुछ काम नहीं कर रही है, तो पूरा टोटली गुलबर्ग में L&T फेल है। अब लास्ट के जो वाटर बोर्ड को था वो बहुत अच्छा था, वो अच्छा मेंटेनेंस करते थे, हमारा एक रिक्वेस्ट है कि वाटर बोर्ड को ही दियो वापस बोल के। आने की वजह यह है कि कई दिनों से 8-10 दिन से हमारे एरिया को खास करके नॉर्थ में कंटेमिनेटेड वाटर का इश्यू बहुत बढ़ गया है। बार बार मैडम को पूरे कॉर्पोरेटर्स कंप्लेंट करने के बाद में मैडम ने भी वार्ड में विजिट किया, परसों मिल्लत नगर में अमित भाई वार्ड नंबर 3 में जाके मैडम डोर टू डोर विजिट करके पानी का सैंपल दिया, L&T वालों को बुलाकर सख्त हिदायत दी, तो उन्होंने मैडम को 2 दिन में ये मसले को हल करने का वायदा किया। जो उसके ONM में हेड है भरत नारायण, उन्होंने जो है मैडम को 2 दिन में ये मसले का हल करने की आश्वासन दिया, लेकिन उसके बावजूद भी आज कल उनकी डेडलाइन ख़त्म हो गई, तो आज तक भी जो है ना गंदा पानी आ रहा है, जिस वजह से मैडम ने ये स्टेप लिया। हम सब कॉर्पोरेटर्स मैडम के साथ में यहाँ कॉर्पोरेशन का घेराव करने के लिए आए, और जब तक L&T वाले हमको साफ पानी नहीं देंगे, हम जो है हमारा धरना जो है ना जारी रखेंगे। 1 महीना 2 महीने 3 महीने से कंटिन्यू 15-15 दिन 12-12 दिन को सप्लाई हो रही है, जबकि कई वक्त बुलाकर MLA मैडम ने मीटिंग ली है, लेने के बावजूद भी
ये लोग अभी तक डस्ट में मशहूर हैं। इनके पास ना मैन पावर है, ना इनके पास कुछ ये है कि काम करने के लिए। मैं दो तीन वक्त मैं खुद भी हम तमाम कॉर्पोरेटर जाकर LNT से जिम्मेदारों से मिलने के बावजूद भी ये लोग कोई स्टेप नहीं उठा रहे। देखिए पानी इतना गंदा आ रहा है, ना आप वजू कर सकते हैं, ना आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको बोलने के बावजूद भी इन लोगों आज तक भी स्टेप नहीं लिए। हमने मैडम को बोलने के बाद यहाँ पर आकर कमिश्नर साहब का घेराव कर रहे हैं। अगर ये इमीडिएटली अगर इसको सोल्यूशन नहीं करेंगे आने वाले दिनों में, इससे ज़्यादा हम एहतजाज करेंगे, यहाँ तो LNT को बर्खास्त कर देंगे यहाँ से। आज कॉरपोरेशन के सामने एक धरना किया गया, जिसका नेतृत्व हमारे यहाँ के नॉर्थ के MLA साहिबा किए हैं, तमाम कॉरपोरेटर्स के साथ और हमारे कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडरों के साथ धरना किया गया है। ये धरना इसलिए किया गया है कि पिछले 15 दिन से कंटेमिनेटेड वाटर ऐसा आ रहा है, गटर का पानी मैं समझता हूँ साफ़ है, गटर का पानी से भी गंदा पानी लोगों के घरों को आ रहा है। उससे लोगों के घरों में बच्चों की तबीयत और ओवर एज जो लोग हैं उनकी तबीयत ख़राब हो रही है कंटिन्यू। इनको कंटिन्यूस रिमाइंड किया जा रहा था कि ये ऐसा ऐसा हो रहा है, आप इसका जल्द से जल्द इसका सॉल्व कीजिए बोलकर LNT को भी बोला जा रहा था और कॉरपोरेशन कमिश्नर कॉरपोरेशन के ऑफिशल्स को भी बोला जा रहा था, मगर इनके कान पे कोई जू नहीं रेंग रही है। लोग परेशान हैं और हमारे यहाँ की कॉरपोरेशन की बॉडी भी अब तक नहीं बनी है। नहीं बनने की वजह से हमारे कॉरपोरेटर्स की बात भी यहाँ के कोई ऑफिशल्स नहीं सुन रहे हैं। तो कॉरपोरेटर्स अपने एरिया में जब जा रहे हैं, अपने एरिया में रह रहे हैं, तो उनको वहाँ के वार्ड के लोग हैं ना कंटिन्यूस कॉल कर रहे हैं, अपनी परेशानी सुना रहे हैं। तो ये कॉरपोरेटर्स जब आकर इनको बोल रहे हैं तो इनको सिर्फ आश्योरेंस दे रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो इसके वजह से कंटिन्यू इनको बात करने के बाद आज यहाँ पर मैडम के साथ तमाम लोग यहाँ पर आए, आकर यहाँ धरना किया गया, दो तीन घंटे धरना किया गया। उसके बाद कॉरपोरेशन कमिश्नर और LNT के तमाम लोग यहाँ पर आए, आकर कमिश्नर साहब को ये बताया गया है कि पानी कैसा आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो कमिश्नर साहब ने ये कहा है, मैं आकर सिर्फ 5-6 दिन हुआ है, मुझे टाइम दीजिए, 4 दिन का टाइम दीजिए, इसको मैं 100% मैं खुद ऑब्जर्वेशन में रहकर सॉल्व करता हूँ। अगर 4-5 दिन में इसको अगर LNT सॉल्व नहीं करती है तो हम उसको उनके ऊपर क्रिमिनल केस कर FIR करेंगे और ये इसको ब्लैक लिस्ट कर ये LNT को यहाँ से निकाल देंगे बोलकर ऐसा एश्योरेंस